अरे गाइस यार, आज तो सुबह सुबह शिनचैन के लिए चोको भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तो मुझे अभी जाना है मार्केट में। जल्दी सब आ चुके हैं शिनचैन के लिए चोको भी लेने। ये शिनचैन मेरा पहले नहीं पता था कि चोको भी खत्म हो गई है। सुबह सुबह ऐसे मेरे को परेशान कर रहा है कि चोको भी चाहिए, चोको भी चाहिए, चोको भी चाहिए। अंकल फटाफट से 10 पैकेट चोको भी पैक कर दो। लाओ 1000 रुपए। क्या 1000 रुपए? एक पैकेट 100 रुपए का है, मुझे लगा 10 रुपए का था। अच्छा ठीक है, एक पैकेट दे दो। हाँ 100 रुपए दो। हाँ ये ले लो। हेलो कंट्रोल रूम, मेरी मदद करो, मेरा हेलीकॉप्टर आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है, मेरी मदद करो। अरे ये क्या, मैं तो क्रैश हो गया, मुझे हेलीकॉप्टर से जल्दी जल्दी उतरना पड़ेगा, ये हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा खराब हो चुका है। बच गया, मैं यहाँ पर मर भी सकता था। अरे मुझे बहुत ही प्यास लग रही है। अरे भाई साहब एक पानी की बोतल देना। 50 रुपए तो 50 रुपए। मेरे पास खुलने नहीं है, ये लो 10000 रुपए। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब मैं इस हेलीकॉप्टर का क्या करूँगा। अरे मुझे चोको भी तो मिल गई, पर ये कौन था जो 50 रुपए की जगह 10000 रुपए देके चला गया। अरे अंकल पानी की बोतल 50 की आती है, ना की 10000 की। हाँ वो मेरे पास खुलने नहीं थे इसलिए दे दिए। खुलने? एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर कैसे आया? अरे ये मेरा हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर में कुछ दिक्कत आ चुकी है इसलिए यहाँ पर क्रैश हो गया। मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा हूँ, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फुटबॉल मैच है, मुझे वहाँ पर जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। रुक जा बच्चे, तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? हाँ मेरे पास गाड़ी तो है। बच्चे तुम मुझे फुटबॉल मैच तक पहुँचाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अरे नहीं मैं वो थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मुझे शिनचैन को चोको भी देनी है। 5 लाख रुपए दूंगा। सर आपकी टैक्सी बिल्कुल रेडी है, आइए बैठिए, हम आपकी लोकेशन पर जाने वाले। चलो बच्चे जल्दी पहुंचाओ, वो मैच कभी भी स्टार्ट हो सकता है, मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। क्या आप उस फुटबॉल मैच में खेल रहे हो? नहीं मैं उनका कोच हूँ, अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा तो हम ये मैच हार जाएंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जल्दी चलाओ। अरे चला रहा यार, मैंने क्या किया, जल्दी से पहुँचाना पड़ेगा इनको फुटबॉल मैच में, फिर मुझे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अरे बच्चे जल्दी चलाओ। अरे हाँ बस पहुँचने वाले, तो गाइस सामने इनका बड़ा सा स्टेडियम आ चुका है, हम बस वहाँ पर पहुँचने वाले। बच्चे अगर मैं लेट हुआ हूँगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे अंकल मैंने क्या किया यार, एक तो आपकी मैं मदद कर रहा हूँ। हाँ तो मैं 5 लाख भी तो दे रहा हूँ। बात तो सही है, 5 लाख भी दे रहे हो, आ जाओ जल्दी जल्दी आपके स्टेडियम में चलते, ये स्टेडियम तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अरे चलो चलो मैच शुरू करते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे कोच ये देखो ना, ये बाजू वाली गली के लौंडे आ गए, ये बोल रहे ये स्टेडियम हमारा है, हम तुम्हें नहीं खेलने देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टेडियम हमारा है। अबे बुढ़ाओ ये स्टेडियम हमारा है, हम इधर फुटबॉल खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टेडियम मैंने खुद खरीदा है, ये पूरा स्टेडियम, ये फुटबॉल मिट्टी घास सब हमारी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ए बुढ़ाओ एक बार बोला ना, हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम यहाँ पर फुटबॉल खेलेंगे, जो करना है कर लो। अरे बॉस ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो है पर कोई बात नहीं, हम डिसाइड कर सकते हैं ये फुटबॉल स्टेडियम किसका होने वाला है। अरे बुढ़ाओ कैसे करेंगे? तुम्हारे में और मेरी टीम के बीच में एक मैच से, तुम दोनों टीमों के बीच में मैच होगा, जो जीता उसका ये स्टेडियम पूरा का पूरा हो जाएगा। ए बुढ़ाओ मुझे मंजूर है। और हाँ जो ये जीतेगा उसको मेरी तरफ से $50 मिलियन। अरे बुढ़ाओ बहुत बढ़िया, तेरे 50 मिलियन तो हमारे होके रहेंगे। अरे सर सर आपने ये क्या बोल दिया? अरे बच्चों डरो मत, हम इनको आराम से हरा देंगे। अरे पर हमारा कैप्टन तो आज है ही नहीं। क्या तुम्हारा कैप्टन कहाँ गया? कैप्टन कैप्टन। अरे कोच भूल गए क्या, आज उसकी शादी है इसलिए वो आया नहीं। अरे बुढ़ाओ क्या हो गया, रेडी नहीं है क्या? अरे रुक जाओ रुक जाओ, एक कैप्टन को ढूंढना है। कैप्टन कैप्टन, ए काल लड़के तुम कैप्टन बनोगे? क्या मैं कैप्टन? हाँ तुम कैप्टन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें कैप्टन मिल गया, मेरी टीम का कैप्टन मुझे मिल चुका है ये लड़का। ए लड़के तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फ्रैंकिन, पर मुझे फुटबॉल। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा खेलना आता है, चुपचाप खड़े हो जाओ, तो मेरी बात सुनो, ये मैच होने वाला है बाजू की गली वाले वर्सेस मेरी टीम में, जो भी ये मैच जीतेगा उसको ये पूरा का पूरा स्टेडियम मिलने वाला है और साथ में मेरी तरफ से $50 मिलियन। 50 मिलियन? हाँ कैप्टन, और अगर तुमने गोल किया तो तुम्हें अलग से 50 मिलियन। क्या सही में? अगर मैं एक गोल करूँ तो मुझे 50 मिलियन मिलेंगे? हाँ जितने ज्यादा गोल करोगे उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा, 5 गोल मतलब 250 मिलियन, 10 गोल मतलब 500 मिलियन। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है, अब आएगा ना मजा। तो चलो मैच को शुरू करते हैं, इंडिया वर्सेस US।
तो कैसर अभी दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है। हमारी टीम है इंडिया की बेंगलुरु से और सामने है यूनाइटेड स्टेट्स। तो फटाफट से मैच को शुरू करते हैं। हम बिल्कुल तैयार है इस मैच को जीतने के लिए। और कैसर अभी आप देख सकते हो अभी हम आ चुके ग्राउंड में और यहाँ पर अपना मैच शुरू होने वाला है। सबसे पहले बॉल मेरे पास ही है क्योंकि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। तो चलो यार फटाफट से शुरू करते हैं। और आपको तो पता ही है अगर हम जीते तो वो पूरा का पूरा स्टेडियम हमारा होने वाला है और ऊपर से हमें $50 मिलियन भी मिलने वाले हैं। और अगर हमने गोल किया तो 10 मिलियन एक्स्ट्रा। तो कैसर कैसे भी करके ये वाला मैच हमको जीतना ही पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो बॉल मेरे पास है। अरे अरे ये तो सामने आ रहे मेरे। अरे पकड़ो पकड़ो इसको, बॉल मत लेने दो। अरे मेरे से बॉल ले ली, इसके पीछे भागना पड़ेगा, मेरी बॉल दे वापस से। अरे कैसर ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, पर हमको इनसे भी अच्छा खेलना है। और ये मैंने अभी इनको बॉल ले ली, जल्दी जल्दी चलते हैं। अरे ये वैसे भी काला है, ये धूप में दिखाई नहीं देगा, जल्दी जल्दी करो। अरे ये क्या बात हुई, काला है धूप में दिखाई नहीं देगा, अरे ये तो गोल कर देंगे ऐसे तो। अरे अरे जल्दी गोल कर दे, जल्दी गोल कर दो। ओ गोल हो गया, ये हमने अपना पहला गोल कर दिया। अरे कैसर ये क्या हो गया, इन्होंने तो अपना सबसे पहला गोल कर दिया यहाँ पर। हमने तो बोला ही था ये स्टेडियम हमारा ही होगा और 50 मिलियन भी। तो कैसर अभी उनका एक गोल हो चुका है। आप देखो डीसी यूनाइटेड 1 पे और बेंगलुरु यानी हम 0 पे है। तो कैसर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हम ही जीत के रहेंगे। अरे कैसर ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसे से बोले जा रहा है। अगर कैसर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी गोल करूं तो फटाफट से कमेंट में लिख दो GOAL गोल। अगर आप अभी के भी कमेंट करोगे तो गोल करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हम बहुत ही मुश्किल होने वाली है हमको गोल करने में और हम ये स्टेडियम और $50 मिलियन हार भी सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट कर देना गोल और अब हम कोशिश करेंगे। अरे ये तो फिर से गोल करने लेके जा रहे, रुक जा, बच गया बच गया बच गया, मुझे लगा था इस बार वापस से गोल हो जाएगा। अरे टेंशन मत लो, हम तो 5-6 गोल करके ही मानेंगे। 5-6 गोल ऐसे कैसे करोगे, 5-6 गोल, एक गोल और नहीं करने देंगे। अब जो गोल होगा वो मेरा ही गोल होने वाला है। तो फटाफट से बॉल देते हैं, गोलकीपर हमको बॉल दे दे। चलो गाइस बॉल हमारे पास आ चुकी है, अब सीधा हम गोल के पास लेके जाने वाले। भागो 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 भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे पिंटू जल्दी जल्दी आगे जा, हमें गोल करना है, लेट्स गो फटाफट चलते, इस बार हमारा गोल कैसे भी करके होके ही रहेगा। भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। और ये अपना गोल, अरे ये क्या गोलकीपर ने पकड़ लिया। हमारा गोलकीपर काम का है, ना कि तुम्हारी तरह आलू काटने वाला। अरे कैसर मैं तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पास पहुंच गया था, पर उन्होंने लास्ट में जाके बॉल पकड़ ली और फिर हम गोल नहीं कर पाए। ये क्या, फिर से गोल, एक और गोल कर दिया। हा, बच्चों स्टेडियम भूल जाओ, ये स्टेडियम हमारा ही होने वाला है। अरे कैसर ये क्या चल रहा है, इन्होंने तो एक और गोल कर दिया, हमारा एक भी गोल नहीं, उनके दो दो गोल हो चुके और हमें भी 0 पर है। अगर कैसर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है बस इसका मतलब आपकी वजह से हम हार रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो। और अगर कमेंट कर दिया है तो लाइक कर दो, लाइक करने से गुड लक बढ़ता है। जल्दी जल्दी चलते हैं, इस बार हमें कैसे भी करके गोल करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी लो मेरे दोस्तों बॉल लो। अरे इन्होंने फिर से हमसे बॉल छीन ली, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। अरे कैसर इन्होंने तो एक और गोल कर दिया। तीन गोल इन पिद्दियों के, 0 गोल, घर जाओ घर, नाचो नाचो। अरे कैसर ये सब तो डांस करने लग गए, हमारे अभी तक 0 गोल है और इनके 3-3 गोल हो चुके हैं। अब कैसर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए, अगर इन्होंने एक गोल भी और किया तो हमारे लिए गेम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अब हमें बिल्कुल ढंग से खेलना पड़ेगा ताकि हम एक तो गोल करें कम से कम, इनके 3-3 हो चुके, हमारा एक भी नहीं हुआ अभी तक। चलो 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 फटाफट से गोल करते, अरे नहीं हो पाया। तो कैसर अभी मैच बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइंट पे, उनके है 4 गोल, हमारे है 0 गोल। और अभी थोड़ी देर में हाफ टाइम भी हो जाएगा, मतलब उस हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है इस स्टेडियम को जीतने के लिए और वो 50 मिलियन भी। तो गाइजर फटाफट से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी 4-4 गोल करते हैं, कैसे भी करके करना ही पड़ेंगे वरना हम वो स्टेडियम और $50 मिलियन हार जाएंगे। अभी भी गेम बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, तो अभी भी हमारे पास टाइम तो है। तो चलो फटाफट से बॉल हमें मिल चुकी, आखिरकार बॉल मिल गई, ये बॉल मिल गई, बॉल मिल गई, ये गया और ये सबसे पहला गोल। तो कैसर आप देख सकते हो हमने सबसे पहला गोल कर दिया और ये सुई, आखिरकार एक गोल तो हुआ, इतनी देर से उन्होंने 4-4 गोल कर दिए, आखिरकार हमारा एक गोल यहाँ पर हो चुका है। ऐसे ही हमें 4-5 और गोल करने ताकि हम इनसे जीत पाए। तो कैसर अभी गेम वापस से यहाँ पर शुरू हो चुका है और अभी हम फुल स्पीड में भागे जा रहे हैं, ये ट्राई करते एक और गोल करने का, और नहीं बच गए यार, गोल हो सकता था। तो कैसर अभी हमें वापस से यहाँ पर बॉल मिल चुकी, क्या इस बार हम कर पाएंगे गोल, और ये गोल है गोल।
और मैं लास्ट में गिर गया था पर हमने एक और गोल कर दिया। दो दो गोल यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। लगता है कमबैक होने वाला है हमारा यहाँ पर। उनके चार गोल, हमारे दो गोल। सिर्फ दो गोल और करना है फिर सेम इक्वल हो जाएगा। पर उनको एक भी गोल नहीं करने देना है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा आगे है। हम उनको और आगे नहीं जाने दे सकते। जल्दी यहाँ पर लेके जाएंगे और ये वापस से और ये गोल। तीन तीन गोल हो गए हमारे। तो सबके सब ऐसे ही खेलते रहो, हमें कैसे भी करके ये जीतना पड़ेगा। ये ले, जल्दी जल्दी यहाँ पे बॉल देते हैं। इसको पास करेंगे, अब इधर पास करेंगे। कैसर, आपका सबसे फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? फटाफट से कमेंट करके बता दो। मेरा तो है रोनाल्डो भाई। स्वी, और एक और गोल। रोनाल्डो का नाम लेते ही हमारा एक और गोल हो चुका है और अब सबके स्कोर हो चुके हैं इक्वल, जो कि है 4-4। अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इतना अच्छा कैसे खेलने लग गए? अब देखो हमारा गोल होगा। अरे जल्दी पकड़ो उनको, जल्दी पकड़ो, इनका गोल नहीं होना चाहिए। ये ले गोल। अरे कैसर, इन्होंने तो एक और गोल कर दिया। इनका स्कोर हो चुका है 5। हम ही जीतेंगे, तुम्हारे गोल तो गलती से हो गए, हम ही जीतेंगे। क्या चार गोल गलती से हो गए? अब इस काले को दिखाता हूँ, ये ज्यादा ही खुश हो रहा है ना। अब इसने गलती से एक गोल क्या कर दिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है। अब हम वापस से फॉर्म में आएंगे और अब देखो अब स्कोर को कैसे हम बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। जल्दी लेके जाते हैं और यहाँ पर हमारा एक और गोल हो सकता है और ये गोल। 5-5 कर दिया हमने यहाँ पर। और गाइस टकले ने गोल कर दिया और ये तुम सपने में भी हमसे नहीं जीत सकते, ये स्टेडियम तो हमारा है। वो तो अभी पता चल ही जाएगा किसका स्टेडियम है। चलो लेट्स गो, फटाफट से चलते, एक और गोल अभी हम करने वाले। भागो 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 भागो, ये गोल। अरे बच गया, इस गोलकीपर के बच्चे ने पकड़ लिया। तो गाइस यार यहाँ पर अपना हाफ टाइम खत्म हो चुका है, मतलब आधा गेम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी स्कोर बिल्कुल इक्वल चल रहे। और अभी हमें मिलने वाला थोड़ा सा रेस्ट यानी ब्रेक। और गाइस हम एक और बार आ चुके स्टेडियम पर फिर से अपने खतरनाक मैच को कंटिन्यू करने, जिसमें स्कोर चल रहा है 5-5, मतलब दोनों का इक्वल चल रहा है। और इस बार हमें गोल लेफ्ट साइड करना है। पहले हम राइट साइड कर रहे थे पर इस बार हमें लेफ्ट साइड करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, फटाफट से सबसे पहला गोल अपन ही करने वाले हैं। लेट्स गो, फटाफट से बॉल लेके जाएंगे और ये गोल। और गाइस आखिरकार हम इनसे आगे जा चुके हैं। अभी तक इतनी मुश्किल हो रही थी इनके आगे जाने में, पर अभी हमारे 6 गोल्स हो चुके हैं और इनके अभी तक 5 ही है। और उस गोलकीपर ने बच्चे ने पकड़ लिया और ये क्या, रेफरी ने उसको येलो कार्ड दे दिया, मतलब मुझे पेनल्टी मिलने वाली है। अब हम बहुत ही ज्यादा पास गोल करेंगे, क्या हम गोल कर पाएंगे या फिर ये पकड़ लेगा गोलकीपर? और ये पकड़ लिया उसने। और कैसर अभी आप देख सकते हो फिर से हम बॉल लेकर जा रहे हैं और ये एक और गोल। अब तो हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल रहे, एक और गोल हमने कर दिया। 7-5 बेंगलुरु के और 5 यूनाइटेड स्टेट्स के यानी यूएस के। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे तो ये लोग जीत जाएंगे। ऐसे नहीं, ये तो हम ही जीतने वाले चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे 7 गोल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर कैसर हमें ये मैच जीतने तो हमें टोटल 10 गोल्स करने पड़ेंगे, उसके बाद हम ये जीत जाएंगे। और ये लगता है एक और गोल होने वाला है। नहीं हो रहा है, ये ले। और हमारा ये गोल तो नहीं हो पाया, पर आप टेंशन मत लो, और भी बहुत सारे गोल करेंगे, बस हमें 10 गोल करने कैसे भी करके। और ये एक और गोल का हम ट्राई करने वाले हैं। ये ले कैच कर कीपर और ये नहीं पकड़ पाया। एक और गोल हो चुका है, 8 गोल हमारे पास हो चुके हैं। सिर्फ 2 गोल और करने हैं इस मैच को, इस स्टेडियम को और $50 मिलियन को जीतने के लिए। और कैसर हमें फिर से यहाँ पर बॉल मिल चुकी है, क्या हम गोल कर पाएंगे? और एक और गोल। 9 गोल्स हमने यहाँ पर कर दिए, क्या ही खतरनाक गोल किया है। हमारी टीम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल रही है और मैं उनका कैप्टन जो कि सबसे खतरनाक खेल रहा है। हमको सिर्फ 1 गोल और करना है और सबका सब हमारा हो जाएगा, ये पूरा मैच हमारा, स्टेडियम हमारा, $50 मिलियन हमारे। और मैंने बहुत सारे गोल भी किए, इसलिए $60 मिलियन हमें मिलने वाले। ऐसा नहीं हो सकता, इनको एक और गोल मत करने देना। अरे ऐसे कैसे नहीं करने देगा, ये ले। अरे बच गया। अरे चलो चलो जल्दी जल्दी गोल करो। अरे ऐसे कैसे गोल करो, गोल तो मैं ही करूंगा और तुम में से कोई गोल नहीं कर पाएगा। और फिर से टाइम आ चुका है हमारा गोल करने का, ये लो कैच करो और गोल डन। 10 गोल हमने कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ ये मैच होता है खत्म।
अरे ये कैसे हो गया? अभी दिखा तो कैसे हुआ, वो भी स्लो मोशन में। ये हमने किया गोल और ये कीपर नहीं पकड़ पाया और डायरेक्ट हमारा गोल गया सीधा पोस्ट के अंदर, और इसी के साथ हमने ये खतरनाक समय जीत लिया। ये हम जीत गए। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया और हमारा स्टेडियम हमारे पास ही रह गया। थैंक यू कोच और काइजर, इसी के साथ हमने ये मैच जीत लिया है। तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ। इन सब लोगों ने पहले शुरू में बहुत ही अच्छा खेला, चार चार गोल एक ही बारी में कर दिए, पर उसके बाद हमने कमबैक करके 10 गोल करके ये मैच जीत लिया। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, अगर तुम ना होते तो आज हमारा स्टेडियम भी चला जाता और मेरे 50 मिलियन भी, पर पूरी की पूरी टीम को 50 मिलियन मिलेंगे और फ्रैंकलिन ने 5 गोल किए थे इसलिए उसको $250 million। $250 million, तो काइजर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं $250 million, 250 मिलियन डॉलर्स, वो भी सिर्फ एक फुटबॉल का गेम खेलने से। ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा मिल चुका है मुझे। इन पैसों से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। $250 million मैं अपने लिए नई गाड़ियाँ, नया घर, नए कपड़े, पता नहीं क्या क्या खरीद सकता हूँ मैं तो। फ्रैंकलिन मैंने कैलकुलेट किया, तुम $250 million से 250 करोड़ फुटबॉल खरीद सकते हो। क्या 250 करोड़ फुटबॉल? वैसे मैं खरीदने वाला, पर बहुत ही ज्यादा है ये। चलो काइजर, मुझे तो बहुत सारा यहाँ पर पैसा मिल चुका है। अब इतना सारा पैसा मिला है तो इसको उड़ाना भी तो पड़ेगा। A few moments later. तो काइजर, कभी आप सोच रहे हो आपको $250 million में क्या क्या मिल सकता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा $250 million खर्च कर दिया। ये देख सकते हो मैंने कितनी सारी चीजें यहाँ पर खरीद ली। तो $250 million में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, 12 cars, 8 bikes, 2 private jet और 2 helicopter हमें मिल सकते हैं, और ये बड़ी सी जमीन भी, मतलब अपना प्राइवेट एयरपोर्ट। तो काइजर, $250 million से मैंने ये सारी गाड़ियां खरीदी, हेलीकॉप्टर, बाइक्स और ये प्लेन्स, और ऊपर से ये पूरा एयरपोर्ट भी खरीद लिया। ये एयरपोर्ट सिर्फ मेरा है, यहाँ पर और कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पर मैं जो चाहे कर सकता हूँ, चाहे मैं अपनी बुगाटी में रेस करूँ, या फिर अपनी बाइक पे आगे जाके गिर जाऊँ, या फिर अपने हेलीकॉप्टर को क्रैश करूँ, या फिर अपना प्लेन उड़ाऊँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये सब का सब मेरा पर्सनल प्राइवेट है। हमारे हेलीकॉप्टर सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, $20 million का एक हेलीकॉप्टर था, तो $20 million, $20 million, और ये गाड़ियां भी बहुत ही महंगी थी, और सबसे महंगा था ये प्लेन $80 million, जिसको अभी हम उड़ाने वाले। मुझे देखना है ऐसा क्या है इसमें $80 million जैसा। वैसे है भी ये बिल्कुल प्राइवेट जेट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पीछे इसमें मस्त मस्त सीटें बनी हुई है बैठने की, पर हमें पीछे नहीं बैठना है, हमें तो इस प्लेन को उड़ाना है। लेट्स गो, फटाफट से इसको उड़ाते हैं, हवा मर लेके जाते हैं। और काइजर आप देख सकते हो हमारा प्लेन पहली बार हवा में जा रहा है। $80 million हमने इसके ऊपर खर्च किए थे और अभी हमने इसको हवा में उड़ा लिया है। वैसे तो मैं $250 million में घर भी खरीद सकता था, पर फिर हमारे पास गाड़ियां नहीं होती, प्लेन नहीं होते, हेलीकॉप्टर्स नहीं होते, और खुद का प्राइवेट एयरपोर्ट भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये प्राइवेट एयरपोर्ट खरीद डाला। फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा प्राइवेट एयरपोर्ट और हमारी गाड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा, फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस आज की वीडियो से भी तय, अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पता रहे की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन और फॉलो करना, और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।